तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। एंड दोस्तों, आज के इस वाले अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रियलमी सी ट्वेल्व के बैक कवर की, जिसको दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से 225 रुपीज़ में परचेस किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ एंड कवर को बाहर निकाल लेते हैं। एंड दोस्तों, इस कवर को आप नार्जो 20, नार्जो 30 है, रियलमी सी 12 एंड रियलमी सी 15 में लगा सकते हो। दोस्तों, ये आसानी से फिट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों चारों डिवाइस सेम है। तो यहाँ पर मैं पन्नी से बाहर निकाल लेता हूँ कवर को एंड यहाँ पर इसका देख लेते हैं बिल्ड क्वालिटी किस तरह का हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्लाइडिंग शटर केस है दोस्तों, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक परचेस किया था रियलमी X7 के लिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग किया गया है। एंड ये रहा दोस्तों स्लाइडिंग शटर, जो कि यहाँ पे कैमरा के लिए शटर दिया गया है। एंड ये काफ़ी मस्त लगा मुझे दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कवर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन जो काफ़ी मस्त है, साइड में आपको रबर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर बीच में जो है मैट फिनिश प्लास्टिक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्ड प्लास्टिक है और इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मस्त कवर है। तो इसका जो स्लाइडिंग शटर है यहाँ पे काफ़ी मस्त लगा है मुझे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसको स्लाइड करके कैमरा को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अपने फ़ोन में लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, इस कवर को आप रियलमी सी 12, सी 15 एंड नार्जो 20, नार्जो 30A में आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन है वो रियलमी सी 12 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी सी 12 में ऊपर की साइड फ्लैश है एंड सी 15 में आपको नीचे की साइड फ्लैश देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो शटर सिस्टम है काफ़ी मस्त मुझे लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कवर काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पर इस फ़ोन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी सी 12, सी 15 या नार्जो 30A या नार्जो 20 है तो आप इस कवर को परचेस कर सकते हैं, ये आपके फ़ोन में आसानी से फिट हो जाएगा। एंड दोस्तों, ये जो कैमरा शटर है ये प्लास्टिक है नीचे की साइड, एंड इसको आप चाहो तो निकाल कर रख भी सकते हो, वरना आप इसको चाहो तो लगा भी सकते हो। इसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होता है दोस्तों एंड लगाने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है। तो इसका जो शटर है काफ़ी मस्त है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्लाइडिंग होता है दोस्तों एंड ये काफ़ी मस्त कवर मुझे लगा है। तो आप कमेंट में बताना आपको ये कवर कैसा लगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।